आज हम वांगी भात बनाएंगे। ये साउथ का आइटम है। इसके लिए बैंगन को ऐसा काट के लिया है, ऐसा पीस। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, देखिए, चने का दाल, उड़द का दाल, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, वांगी भात का पाउडर, थोड़ा सा गुड़, कैश्यू नट, धनिया। अब इसको चोंक लगाएंगे। कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। ये एक पाव चावल के लिए है, तो उसके लिए एक 50 ग्राम जितना तेल डाल रही हूँ। इसमें कैश्यू नट तल लेंगे, गार्निश के लिए कैश्यू नट। देखिए तल गया है, इसको निकाल देते हैं। उसी ऑयल में अभी राई डाल रही हूँ, हींग, चने का दाल, उड़द का दाल, ये थोड़ा रोज कलर फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ता, लाल मिर्ची, हल्दी डाल रही हूँ, 1/4 स्पून हल्दी, और ये बैंगन इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 3 मिनट के लिए बंद करके रखेंगे। देखिए आधा ये पक गया है। अभी इसमें गुड़ डाल रही हूँ, वांगी भात पाउडर, थोड़ा इमली, खटाई के लिए इमली या लेमन यूज कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1-3-4 मिनट के लिए बंद करके रखेंगे। अभी इसमें ड्राई कोकोनट, मोटे वाले कद्दूकस में कद्दूकस करके, वो भी इसमें डाल रही हूँ। मोटा वाले में डालने से अच्छा लगेगा चावल में, इसलिए मोटा वाला में तैयार किया है। ये भी 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए वांगी भात का मसाला तैयार हो गया है। चावल अलग से बना के उसको ठंडा करके अभी उसमें ये वांगी भात का मसाला डाल के मिक्स कर रही हूँ। वांगी भात का पाउडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए इसमें कैश्यू नट और हरी धनिया ऊपर से गार्निश के लिए डाला है। वांगी भात रेडी।